नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अदिति शर्मा। आज की मंडी खबर में हम आपको दलहन के बारे में बताएंगे, जानेंगे क्या है दलहन की पैदावार का हाल और कैसी है आयात निर्यात की स्थिति। लेकिन आइए यहां पर शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश में दलहन की बंपर पैदावार का अनुमान, चने की उपज रह सकती है सबसे ज्यादा। बता दें कि किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका असर भी दिखाई दे रहा है और देश में इस साल दलहन की बंपर पैदावार अनुमानित है और चने की तो रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है। सरकार ने इस साल किसानों को दलहन के लिए प्रेरित करने के लिए सभी दलहन के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है और इसका असर दलहन की खेती पर पड़ा है। किसानों ने दलहन की खेती को बढ़ाया और खेती बढ़ने की वजह से इस साल देश में दलहन की बम्पर उपज का अनुमान लगाया गया है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने की बात करें तो इस साल इसकी रिकॉर्ड तोड़ उपज अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 244.2 लाख टन दलहन पैदा होने का अनुमान है, जिसमें 116.2 लाख टन चना, 38.8 लाख टन अरहर, 26.2 लाख टन मूंग, 24.5 लाख टन उड़द, 13.5 लाख टन मसूर और 25 लाख टन अन्य दलहन शामिल है। इस साल अरहर को छोड़ अन्य अधिकतर दलहन की उपज पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है और कुल दलहन उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 14 लाख टन बढ़ा है। दलहन की उपज बढ़ने का लाभ किसानों को तो होगा ही, साथ में देश की दलहन जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों से अब बहुत कम दलहन आयात की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आइए अब रुक कर लेते हैं बाजार की जानकारी निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो दलहन उत्पादन का अनुमान जारी किया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या उतना ही उत्पादन आप देखते हैं या इससे कम या ज्यादा भी उपज हो सकती है? तो पिछले कुछ सालों में अगर देखें, खासतौर से पिछले 5-6 सालों में अगर देखें तो जो उत्पादन है दलहन का वो लगभग 140 लाख टन था, जो कि अभी 230 से 240 लाख टन तक हम लोग पहुंचे हैं। इसको अगर देखें, इसके मद्देनजर अगर समझें तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में दलहन का जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो ये कयास लगाना कि इस साल भी पैदावार बीते साल के मुकाबले अच्छी होगी या उसी तर्ज की होगी, ये काफी सकारात्मक है। मैं समझता हूँ जो सरकार का लक्ष्य है लगभग 244 लाख टन का इस साल दलहन पैदावार का, वो बिल्कुल पूरा हो सकता है इन आंकड़ों को अगर देखें। और वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो पिछले साल चूंकि दलहन के भाव में तेजी थी, उत्पादन उससे पहले साल के मुकाबले थोड़ा कम था, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है बुआई के समय में। जब जिस साल भाव अच्छे होते हैं दलहन के, तो उस साल बुआई या बिजाई भी अच्छी होती है, तो उसके उसको भी अगर नजर में रखें तो मैं समझता हूँ इस साल बिल्कुल बीते साल के मुकाबले पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और लगभग 240 लाख टन के आसपास हम लोग पूरे साल में दलहन की पैदावार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई उत्पादन की। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल हम चने की जो बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ उपज का अनुमान है, तो इससे किसानों को किस तरह का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में बाजार भाव कैसे रह सकते हैं? चने की बुआई अच्छी हुई थी तो वहीं से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उपज भी अच्छी होगी। अब किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ चूंकि चना एक ऐसी दलहनी फसल है जिसके जो उत्पादन है वो हमारी खपत से थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसका हम लोग निर्यात भी करते हैं, तो ऐसे में निर्यात कैसा होता है आने वाले साल में वो एक चीज देखने वाली चीज होगी। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है चने के लिए उसमें भी बढ़ोतरी की है, तो इन दो पहलू के मद्देनजर अगर देखिए मैं समझता हूँ उपज अगर अच्छी होती है, बढ़कर होती है, तो किसानों को MSP पे जो सरकार द्वारा खरीदारी होगी उसका फायदा भी होगा और एक्सपोर्ट चूंकि पिछले 1-2 सालों में जिससे बढ़ा है तो उसका भी फायदा किसानों को हो सकता है।
जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई चने की, बढ़ लेते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं बाकी सुर्खियों पर। बता दें दलहन की खेती के लिए किसानों को लगातार किया जा रहा है प्रेरित, सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में हो रहा इजाफा। दालों के मामले में विदेशी बाजार पर निर्भरता खत्म, देश में होने वाले दलहन के आयात में लगातार आ रही कमी। दलहन की उपज बढ़ने की सफलता का जो श्रेय है सरकार के उन कदमों को दिया जा सकता है जिनके जरिए सरकार ने किसानों को ज्यादा दालों की खेती के लिए प्रेरित किया है। सरकार लगातार दलहन के समर्थन मूल्य को बढ़ा रही है और इस साल भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल दलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं, सरकार ने सभी दलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है। सरकार किसानों से जब भी दलहन खरीदती है तो वो खरीद समर्थन मूल्य पर ही होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने सभी दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के समर्थन मूल्य को इस साल बढ़ाकर 5100 रुपए किया गया है, जो पिछले साल 4875 रुपए था। इसी तरह मसूर के समर्थन मूल्य को पिछले साल के 4800 रुपए से बढ़ाकर इस साल 5100 रुपए किया गया है। अरहर, उड़द और मूंग के समर्थन मूल्य में पहले ही बढ़ोतरी घोषित हो चुकी है। इन सभी दलहन के बढ़े हुए भाव ने किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है और इस साल दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा है। तो अभी आपने देखा एमएसपी बढ़ा है, जिसके चलते हमारे किसान दलहन की खेती की ओर प्रेरित हुए हैं। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, किसानों के लिए दलहन का जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है उससे उन्हें किस तरह का लाभ हो रहा है, लाभ हो भी रहा है या फिर नहीं, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सरकारी एजेंसियों द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हुआ है दलहन के लिए पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो उनमें लगातार वृद्धि देखने को मिली है और सरकार की ओर से ये कहा भी गया है कि जो भी समर्थन मूल्य सरकार की ओर से दिया जाता है वो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके तर्ज पे ही दिया जाता है। इस वक्त अगर आप देखें तो जो उत्पादन की जो कॉस्ट है उसका लगभग 1.5 गुना दाम किसानों को सरकारी एजेंसी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पे दिया जाता है। उस हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल इसका फायदा किसानों को होना चाहिए और होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली चीज ये है कि जो एजेंसियां खरीदती हैं वो सीधे तौर पे किसानों से खरीदें या किसानों के लिए किए का ये दायित्व बनता है कि सरकारी सेंटर्स पे जहाँ पे दलहन की खरीदारी की जाती है वो वहाँ पे अपनी फसल लेके जाएं और वहाँ पे जाकर बिकवाली करें। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में सरकार ने बफर स्टॉक भी दलहनों का बढ़ाया है और उससे उस हिसाब से भी अगर देखें तो मैं समझता हूँ बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोक्योरमेंट करना, खरीदारी करना किसानों से, वो उन दोनों का फायदा किसानों को मिलता है और आगे भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी के साथ हम बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मचाइए, ब्रेक के बाद हम जानेंगे दालों की सरकारी खरीद का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ये तो मुझे करके रहना है। धमकी दे रहे हो तू, अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा। उसकी जमीन उसके पास और मेरी जमीन मेरे पास। जमीन का बंटवारा हुआ था उनके मरने के बाद, पहले मेरी अर्थी उठ लेने दे। टेबल देखो इसकी। कैसा भाई है तू, तूने उसका कत्ल क्यों नहीं किया? तू तेल देख और तेल की धार देख। देखिए बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी दलहन के निर्यात की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं क्या है सरकारी खरीद की स्थिति। बता दें आपको कि ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ दालों का समर्थन मूल्य ही बढ़ा रही है, सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में दलहन की खरीद भी कर रही है। पिछले साल किसानों से 21 लाख टन से ज्यादा चना खरीदा गया था और इस साल भी कई राज्यों से भारी मात्रा में चने की खरीद को मंजूरी दी गई है।
किसान ऐसे ही दलहन की खेती को नहीं बढ़ा रहे हैं। किसानों को भरोसा है कि उनकी पैदा की हुई दलहन का अगर बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है तो सरकार उनसे समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद कर लेगी। पिछले रबी सीजन में पैदा हुआ लगभग 21 लाख टन चना सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा है और इस साल भी कई राज्यों से भारी मात्रा में चना और अन्य दलहन की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के अनुसार महाराष्ट्र से 6.17 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 2.12 लाख टन, कर्नाटक से 1.67 लाख टन, आंध्र प्रदेश से 1.39 लाख टन और तेलंगाना से 51,325 टन चना खरीद की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी भारी मात्रा में चना खरीद की अनुमति दी गई है। चने के अलावा उत्तर प्रदेश से 1.13 लाख टन और मध्य प्रदेश से 79,300 टन मसूर खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई है। किसानों से ये तमाम खरीद या तो बाजार भाव पर होगी और अगर बाजार भाव समर्थन मूल्य से कम हुआ तो समर्थन मूल्य पर होगी। तो सरकार लगातार खरीद कर रही है दलहन की और आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, देश भर में हमने देखा है कि हमारे जो सरकार है हमारे किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है, इसका किसानों को कितना लाभ मिल रहा है इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। समर्थन मूल्य पिछले 4-5 साल में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली है और उसका अगर किसानों को उसका असर अगर देखे तो मैं समझता हूँ सीधे सीधे तौर पे तो उसका असर किसानों को देखने को मिलता है और क्योंकि सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है और खरीदारी भी में भी बढ़ोतरी की गई है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें या किसानों को और फायदा अगर पहुंचाना है उस लिहाज से अगर देखें तो छोटे किसान जो है या मझोले किसान जो है उनसे सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदारी करेगी तो उसका सीधा सीधा असर और या सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। जी, साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को किसानों से भविष्य में और दलहन खरीद बढ़ाने की जरूरत है। दलहन की उपज और खपत को अगर देखें तो अभी भी हमारी हमारे देश में उपज जो है वो खपत से कम है और साल में ऐसे 2-3 महीने आते हैं खासतौर से बुआई का समय का जो महीने होते हैं उस टाइम पे दलहन के भावों में तेजी देखने को मिली है तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए जब नई फसल तैयार होती है उस टाइम पे सरकार ने थोड़ी और मात्रा में खरीदारी करनी चाहिए और उसका स्टोरेज करना चाहिए ताकि साल के उन महीनों में जब फसल मार्केट में नहीं होती, बाजार में कम होती है, किसानों के पास भी नहीं होती, छोटे किसानों के पास, उस वक्त वो फसल मंडियों में आए जिससे जो मुनाफा हो वो छोटे किसानों को मिले। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए, हम आपसे फिर से जानकारी लेंगे दलहन के संदर्भ में। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, यहाँ पर नजर डाल लेते हैं गेहूं के बाजार भाव पर। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर धारा गेहूं का भाव रहा 1,670 रुपए। यहाँ की ललितपुर मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 1,635 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,900 रुपए। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गेहूं के बाद आइए बढ़ लेते हैं आगे, अब रुक कर लेते हैं दलहन निर्यात पर। बता दें आपको कि पिछले कुछ सालों से देश में दलहन उत्पादन लगातार बढ़ रहा है जिससे देश की जरूरत तो पूरी हो रही है, साथ ही साथ अब देश से दलहन का निर्यात भी बढ़ने लगा है। दुनिया भर में दलहन की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है और भारत को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए पहले विदेशों से आयात होने वाले दलहन पर निर्भर रहना पड़ता था। दुनिया भर में दलहन की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है और भारत को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए पहले विदेशों से आयात होने वाले दलहन पर निर्भर रहना पड़ता था और भारी मात्रा में दलहन का आयात करना पड़ता था जिसके लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का खर्च होता था। लेकिन अब देश दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और धीरे धीरे देश से दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी भी हो रही है। 5 वर्षों के दलहन निर्यात को देखें तो किसी एक आधा साल निर्यात घटा है, अन्यथा लगातार बढ़ ही रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश से लगभग 1.37 लाख टन दलहन का निर्यात हुआ था जो 2017-18 में बढ़कर 1.80 लाख टन तक पहुंच गया। इसके बाद 2018-19 में आयात बढ़कर 2.90 लाख टन तक पहुंचा
2019-20 में कुछ कमी आई, लेकिन 2020-21 के पहले 9 महीने में जितना निर्यात हुआ है वो शानदार रहा है। दलहन के निर्यात का भाव किसानों को तो मिल ही रहा है, साथ में ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सहायक है, क्योंकि इसके जरिए भारत को विदेशों से विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता मिल रही है। जी बिल्कुल, तो दलहन के निर्यात की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है अभी आपने जान लिया, इस पर और जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार का। निर्मल जी, देश से दालों का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है, ये हमने देखा है, भविष्य में क्या निर्यात में और भी बढ़ोतरी हम देख सकते हैं? देखिए, मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरी ओर खपत के लिहाज से देखें तो खपत भी हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हम लोग आयात करते हैं या निर्यात करते हैं उसकी भूमिका प्रमुख है। निर्यात के पक्ष में अगर देखें तो पिछले कुछ साल पहले लगभग 2-3 साल पहले हम लोग निर्यात नहीं करते थे या चुनिंदा दालों को निर्यात करते थे। अभी सरकार ने निर्यात से पूरी तरीके से रोक हटा दी है, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें तो कुछ दालें जिनमें हम लोग संपन्न है, हमारे वहाँ पे जिसकी पैदावार ठीक ठाक होती है, जैसे चना है, मूंग है, उड़द है, उसका निर्यात जो है वो बढ़ाया जा सकता है और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं इनकी पैदावार में भी बढ़ोतरी हो, उस पर भी खास ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि दाल निर्यात बढ़ने से हमारे जो देश के किसान हैं और हम पूरे देश की बात करें तो किस तरह का फायदा देखते हैं आप? दाल निर्यात बढ़ने से तो देश को फायदा तो है ही है, चूंकि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता है और हमको और दूसरा किसानों के पक्ष से अगर देखें तो जो दालें हम लोग निर्यात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसानों को उचित दाम मिलता है और घरेलू बाजार के लिहाज से वहाँ पे बाजार भाव अच्छा देखने को मिलता है, तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो उसका फायदा जो है वो किसानों को भी मिले, ये स्वागत सरकार को देखना हो। तो बिल्कुल, देश से दालों का निर्यात बढ़ेगा तो देश में विदेशी मुद्रा भी आएगी और साथ ही साथ हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। ये तो बात हो गई दलहन निर्यात की। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आगे जानेंगे दलहन के आयात के हाल के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मंडी खबर में स्वागत है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से देश में पैदा हुई दलहन पर ही निर्भर हैं। जरूरत पड़ने पर अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में विदेशों से दलहन आयात की जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले के मुकाबले अब आयात पर निर्भरता बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से देश में पैदा हुई दलहन पर ही निर्भर हैं। जरूरत पड़ने पर अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में विदेशों से दलहन आयात की जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले के मुकाबले अब आयात पर निर्भरता बहुत ही कम है। सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत का ही फल है कि देश दालों की जरूरत को पूरा करने के लिए अब आयात पर उतना निर्भर नहीं है। अब अधिकतर जरूरत देश में पैदा हुए दलहन से ही पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में विदेशों से दलहन का आयात करना पड़ता है, लेकिन पहले की तुलना में ये आयात बहुत ही कम है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 8 महीने यानी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के दौरान देश में 15.60 लाख टन दलहन का आयात हुआ था और औसतन पिछले कुछ सालों में काफी कम है। पिछले 4 वित्त वर्षों में हुए आयात पर नजर डालें तो पता चलता है कि आयात लगातार कम हो रहा है। 2019-20 में पूरे वित्त वर्ष के दौरान 29.75 लाख टन दलहन का आयात हुआ था, जबकि 2018-19 में 25.95 लाख टन दलहन आयात हुआ था। उससे पहले वर्ष 2017-18 के दौरान 56.76 लाख टन और 2016-17 के दौरान 66.61 लाख टन दलहन देश में आयात हुआ था। सरकार भी हर साल किसानों से दलहन की खरीद को बढ़ा रही है।
ऐसे में उम्मीद है कि सरकारी खरीद से प्रोत्साहित होकर किसान भविष्य में दलहन की खेती को और बढ़ाएंगे, जिससे देश पूरी तरह से दलहन जरूरत के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी और दलहन के आयात का हाल जाना। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं निर्मल जी का। निर्मल जी, देश में दालों का जो आयात है वो लगातार हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है, क्या आगे आने वाले समय में हमें बिल्कुल भी आयात की जरूरत नहीं होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारी पैदावार है और जो हमारी खपत है, उसमें अभी भी फर्क है। हम उतना पैदावार अभी नहीं कर रहे हैं जितनी हमारी खपत है, तो आयात तो अभी होता रहेगा। आयात को, हालांकि ये जो गैप है, गैप को पिछले कुछ सालों में कम किया गया है खपत के और उत्पादन के, बट आगे आने वाले सालों के लिहाज से अगर देखें तो अभी और इसमें काम करने की जरूरत है। खासतौर से अगर मसूर, तुर और मटर, ये तीन दालें हैं, इन पे अगर नजर डालें तो ये अभी हम अभी भी काफी मात्रा में इसको हम लोग आयात करते हैं। तो मैं समझता हूँ पैदावार में अभी बढ़ोतरी हमें और करनी होगी। जो हम 240 लाख टन के आसपास पहुंचे हैं पैदावार में, इसको हमको 250 से 260 लाख टन ले जाना होगा। जी बिल्कुल। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि दालों के आयात पर जो निर्भरता है वो कब तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारे जो देश के किसान हैं, ये कदम उनके लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा? देश के फायदे के लिहाज से अगर देखें तो दालों में अभी भी हम लोग काफी राजस्व खर्च करते हैं, काफी जो हमारा इम्पोर्ट बिल है देश का, उसमें अगर देखें तो दालों का उसमें प्रमुख स्थान है। तो मैं समझता हूँ इसको अगर थोड़ा कम करना है, दाल के आयात को अगर कम करना है, तो हमें सीधे सीधे तौर पर अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी 240 लाख टन के आसपास हम देख रहे हैं। इसको मैं समझता हूँ कम से कम हमको 250-260 लाख टन ले जाना होगा, और आगे आने वाले समय के लिए आपसे देखिए वो जिस तरीके से खपत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उससे ज्यादा तेजी से हमें अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। वो चीज अगर हो गई तो भारत, क्योंकि नंबर वन उत्पादक तो है ही दालों का, तो उसके साथ साथ हो सकता है फिर एक्सपोर्टर भी बन जाए। जी बिल्कुल निर्मल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे बुलेटिन में, नजर डाल लेते हैं धान के बाजार भाव पर। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करेंगे तो यहां पर सामान्य गेहूं धान का जो भाव है रहा यहां पर 1650 रुपए। इसके साथ ही बता दें आपको, राजस्थान की कोटा मंडी की बात करेंगे तो यहां पर भाव रहा 2335 रुपए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी की बात करें तो भाव रहा 1700 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। धान के बाद बता देते हैं आपको मक्का के बाजार का हाल। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी की बात करेंगे, यहां पर भाव रहा 1310 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में देसी लाल मक्का का भाव रहा 2050 रुपए। और गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहां सफेद मक्का का भाव रहा 1600 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जान लिया देश भर में दलहन की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। उत्पादन काफी अच्छा हो रहा है, निर्यात भी अच्छे स्तर पर है, और आयात में भी हम लगातार देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ अलग अलग जिन्सों के जो बाजार भाव हैं उसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि मंडी खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।